हम अक्सर यह सुनते आए होंगे कि चार्जर इस्तेमाल ना होने पर हमेशा उसके स्विच को ऑफ कर दें और बिजली बचाएं। लेकिन आपको पता है, अगर चार्जर मोबाइल से कनेक्ट नहीं है और फिर भी उसकी सप्लाई ऑन है, तो वो महीने भर में कितनी बिजली की खपत करेगा? तो नमस्कार, मैं अनुराग और आज मैं आपसे बातें करूंगा चार्जर स्टैंड बाई होने पर बिजली की कितनी खपत करेगा और उसका हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा। तो आइए इसे जानते हैं। एक मोबाइल चार्जर हमारे घर की 220 वोल्ट की एसी सप्लाई को जनरली 1.5 से 10 वोल्ट तक कम करके उसे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। वैसे एक मोबाइल चार्जर में चार मेन कंपोनेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और बैटरी चार्जर कंट्रोलर चिप होते हैं, जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करेंट को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में लाता है तथा डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट एसी करेंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारी बैटरी हमेशा डीसी करेंट से ही चार्ज होती है। तो वहीं तीसरा कंपोनेंट फिल्टर होता है, जिसमें एक कैपेसिटर होता है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, तथा सबसे आखिरी में आता है बैटरी चार्ज कंट्रोलर चिप, जो कि मोबाइल की बैटरी के एसओसी तथा एसओएच को मॉनिटर करके बैटरी के फुल चार्ज होने पर चार्जिंग को बंद कर देता है। तो अब बात आती है कि क्या चार्जर जब मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं करता तो भी पावर की खपत करता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि चार्जर में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर नो लोड पर भी अपने कोर को मैग्नेटाइज करता है, जिसके लिए वह थोड़ी मात्रा में पावर को कंज्यूम करता है और इसे ही आयरन लॉस कहते हैं। वैसे यह मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम मात्रा में होती है तथा मोबाइल से कनेक्ट ना होने पे या नो लोड की सिचुएशन में बहुत ही कम मात्रा में पावर की खपत करता है, और यह पावर चार्जर के रेटेड आउटपुट पावर का महज 0.7 से लेकर 2% के बीच में ही होता है, जो कि आपके चार्जर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। वैसे आपका चार्जर ब्रांडेड है और मोबाइल के साथ आया है तो उसमें 0.7% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और यह बैटरी चार्जर कंट्रोलर के साथ ही आएगा जो कि आपकी मोबाइल की बैटरी फुल होने पर उसे चार्जर से डिस्कनेक्ट कर देगा। तो अब बात करते हैं कि यह 0.7% होता कितना है। हम मार्केट में आजकल आने वाले 15 वाट तथा 30 वाट के चार्जर की बात करते हैं, तो 15 वाट का चार्जर मोबाइल से कनेक्ट ना होने पर 0.1 वाट तथा 30 वाट का चार्जर नो लोड पे 0.21 वाट बिजली की खपत करता है। वही अब बात करते हैं कि यह महीने भर में कितना होगा। तो यह 15 वाट का चार्जर बिना चार्जिंग के लगातार महीने भर ऑन रहने पर लगभग 73 वाट तथा 32 वाट का चार्जर सेम सिचुएशन पर महीने भर में लगभग 152 वाट की खपत करेगा। तो यह पैसे में कितना होगा? तो अगर हम साल भर तक चार्जर का प्लग ऑन किए रहें तो यह 15 वाट के चार्जर में 0.87 यूनिट यानी कि 1 यूनिट से भी कम रहेगा। वैसे इंडिया में 1 यूनिट की कॉस्ट 3 रुपये से 7 रुपये के बीच में वैरी करती है, तो इतने ही रुपए आपको एक साल में देने होंगे, जो कि एक महीने में कुछ पैसे के बराबर ही होंगे, जो कि हमारी मंथली बिल के हिसाब से तो निग्लिजिबल है। वैसे एक 15 वाट का चार्जर रोज़ 3 घंटे आपका मोबाइल चार्ज करेगा तो उसकी मंथली कॉस्ट लगभग 1.35 यूनिट होगी, और इतनी ही कॉस्ट लगातार 1.5 साल तक नो लोड पे चार्जर को ऑन रखने पे आएगी। वैसे आपके अकेले के लिए यह कॉस्ट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट चार्जर को यूज़ ना होने पर उसे बंद करने के लिए क्यों कहती है? क्योंकि अगर पूरा देश ऐसी ही इस्तेमाल ना होने पर भी चार्जर को ऑन करके रखेगा तो महीने भर में यह 2000 मेगावाट के बराबर बिजली होगी, जो कि लगभग 15,000 घरों के बिजली के लिए सफिशियंट है। तो आपको यह मेरा वीडियो आप कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।